24 नंबर से निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अपरिमेय होना चाहिए था ना, ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय। ठीक है, चलिए चलिए फर्स्ट नंबर से देखते हैं। 2 + √3 हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा, संख्या रेखा पर यहाँ पर हम लोग ओ एक बिंदु ले लेते हैं जो कि 0 को निरूपित करता है। ऊपर लिखते हैं यहाँ पे कि हमारा हमारा यहाँ पर जो 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए 2 सेंटीमीटर जो है एक इकाई है। तो देखिए 2 + √3 इकाई का हमें दिखाना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आगे बढ़ा लेंगे और 4 सेंटीमीटर बढ़ाकर एक बिंदु ले लेते हैं ए, यानी कि ये दो दो यूनिट हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा। अब +√3 है तो इसलिए अब क्या करेंगे, ए से यहाँ पर एक यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर फिर से बढ़ाएंगे और एक बिंदु बी लेंगे। और फिर हम लोग क्या कर देंगे कि इस बी बिंदु पर एक परपेंडिकुलर ले लेंगे जो कि है 1 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर। और यहां से हम लोग ये हमें ए से इसको इस बिंदु को मिला देंगे, इस बिंदु को नाम देते हैं सी। तो जाहिर सी बात है ए सी आपका √2 आ जाएगा। देखो 2 + √3 था ना, तो ये 2 एक्स्ट्रा रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे √3 की बात कर रहे हैं, बात को समझे ना जी। तो चलिए, तो यहाँ पर ए सी जो देख रहे हैं किसमें, ट्रेंगल ए बी सी में, वो हो जाएगा √ab² और प्लस में bc² 1² + 1² √2 हो जाएगा। अब फिर हम लोग यहाँ c पर भी खींच देंगे इस तरह से, ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पर, यहाँ पर d ले लेते हैं और फिर इससे इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ से ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, √ac² और प्लस में cd² यानी आ जाएगा √2² और प्लस में 1² तो हो जाएगा यहाँ पर 2 + 1 √3 आ जाएगा, यानी कि ये √3 हो गया। तो अगर हम लोग ए पर परकाल का नोक और सी पर पेंसिल का नोक रख के ऐसे एक चाप खींच दें तो ये ए डी के इक्वल ही होगा ए ई, जो कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये √3 और ये 2, तो यहाँ से यहाँ यानी कि E किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 + √3 को ना जी, समझ गए कि नहीं। देखिए यहाँ पर AD = AE = में क्या हो जाएगा, √3। तो अगर हम लोग OE की बात करेंगे तो ये OA और प्लस में AE के सम के बराबर होगा, यानी कि ये 2 + √3, इसलिए बिंदु E जो है E 2 + √3 को निरूपित करता है, हमने दिखा दिया, क्लियर है। चलिए अगला।